देखी होंगी बॉलीवुड की कई फिल्में, लेकिन हम दिखाएंगे बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर का सबसे खौफनाक चेहरा। ये दास्तां है माया नगरी मुंबई की, लेकिन कहानी फिल्मी नहीं बल्कि एक औरत की जिंदगी की हकीकत। 55 साल की ऐसी औरत जो 27 साल के एक प्रोड्यूसर से करती थी मोहब्बत, लेकिन दो दीवानों की उस मोहब्बत में 25 साल की एक हसीना की एंट्री क्या हुई, मौत के मुंह में समा गई एक जिंदगी। बॉलीवुड सितारों से सजी एक ऐसी दुनिया जो गवाह है कई रिश्तों के बनने और बिगड़ने की, लेकिन इसी बॉलीवुड की सरजमी पर बना एक रिश्ता, वो रिश्ता जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कहानी 55 साल की एक औरत की, ऐसी औरत जो 27 साल के एक फिल्म प्रोड्यूसर से मोहब्बत करती थी, उसे दिलो जान से चाहती थी, लेकिन मोहब्बत की उस बाजी में उसे एक हसीना ने चुनौती क्या दी, उसकी जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया। और फिर एक बंद कमरे में जो कुछ हुआ उसने पूरे शहर में फैला दी सनसनी। बंद कमरे में एक रिश्ता बना और बंद कमरे में ही उस रिश्ते का खात्मा हो गया। 55 साल की एक औरत और 27 साल की एक नौजवान की मोहब्बत की ये वो दास्तां है जिसका आगाज भी फिल्मी था और अंजाम भी फिल्मी। वो 55 साल की थी और वो था 27 साल का। औरत का नाम सुरैया था तो लड़के का था हेमंत जैन। सुरैया बॉलीवुड के एक नामी फिल्म प्रोड्यूसर के साथ जिंदगी बसर कर रही थी तो हेमंत उसी प्रोड्यूसर का असिस्टेंट था। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में मशगूल थे, लेकिन एक रोज उन प्रोड्यूसर साहब की मौत क्या हुई, जिंदगी के सफर में सुरैया तन्हा रह गई, आंसू बहाती एकदम अकेली। बिल्कुल अकेली हो गई, कैसे जीऊंगी मैं उनके बिना। मैं जानता हूँ कि आप तकलीफ में जी रही हैं, लेकिन क्या करें, जीना तो पड़ता ही है। आप बेफिक्र रहिए, आप हौसला रखिए, देखिए कुछ नहीं होगा। आप प्लीज ऐसे रोइए मत। दर्द हमेशा हमदर्दी की भाषा समझता है। हेमंत ने सुरैया से सहानुभूति जताते हुए जो कुछ भी कहा उसने उसका दिल छू लिया। और फिर जैसे ही हेमंत के कांपते हाथों ने सुरैया के आंसू पोंछे वो चुप हो गई। बेशक ये रिश्ता हमदर्दी का था, लेकिन एक दूसरे से मिलते जुलते हमदर्दी का ये रिश्ता कब मोहब्बत की शक्ल अख्तियार करने लगा किसी को पता ही नहीं चला। न तो 55 साल की सुरैया को और न ही 27 साल के हेमंत को। आप कितने दिनों बाद हंस रही हैं? आपको हंसते हुए देखते हुए इतनी खुशी हो रही है कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये खुशियां भी तो आपने दी है हेमंत। कभी कभी बैठ सोचती हूँ मैं कि तुम्हारा मेरा क्या है रिश्ता। वही जो एक दिन का। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ 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 यही प्यार है। जिंदगी के गम को साझा बांटते बांटते हेमंत और सुरैया बेहद करीब आ गए थे। इतना करीब कि दोनों के बीच का उम्र का फासला भी मिट गया। एक दूसरे के बिना जीना जब मुश्किल हो गया तो दोनों ने साथ साथ रहने का फैसला कर लिया। वो
बेहद हसीन थे वो पल। 55 साल की सुरैया और 27 साल के हेमंत की मोहब्बत हर दिन परवान चढ़ रही थी। लेकिन एक रोज मोहब्बत की इस अनोखी कहानी में एक हसीना की एंट्री क्या हुई सुरैया की जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया। वो हसीना थी 25 साल की परवीन खान, एक ऐसी लड़की जिसे सुरैया ने घर के कामकाज के लिए रखा था। लेकिन घर की यही नौकरानी मोहब्बत की बाजी में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी, सुरैया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो एक अलसाई शाम थी, सुरैया घर में नहीं थी और हेमंत किसी मैगजीन के पन्नों में खोया दिल बहलाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर घर की साफ सफाई में जुटी परवीन पर पड़ी। वो बला की खूबसूरत नजर आ रही थी। ये देख हेमंत खुद पर काबू नहीं रख पाया। ये क्या कर रहे हैं आप? हेमंत की ये बातें सुनकर परवीन हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हेमंत जैसा दौलतमंद इंसान, बॉलीवुड का एक उभरता हुआ फिल्म प्रोड्यूसर, उसकी जैसी एक मामूली सी नौकरानी से प्यार कर सकता है। लेकिन हेमंत ने बार बार जब यही कहा कि वो उससे बे इंतहा प्यार करता है तो परवीन को भी एतबार हो गया। और फिर थोड़ा झिझकते हुए ही सही परवीन ने हेमंत का प्यार कबूल कर लिया। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? घर की किया वो क्यों भला? जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या? घर की किया भला। एक तरफ हेमंत और परवीन चोरी छुपे प्यार की पींगे बढ़ा रहे थे तो दूसरी तरफ सुरैया दोनों की लव स्टोरी से बेखबर जिंदगी के हसीन ख्वाब संजो रही थी। ख्वाब जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेमंत ही था, वही हेमंत जो बेवफाई की हद से गुजर कर परवीन को अपना बनाने का फैसला कर चुका था। एक रोज जब हेमंत और परवीन मोहब्बत के रोमानी पलों में खोए थे तभी सुरैया ने दोनों को देख लिया और सामने आ गई बेवफाई की पूरी दास्तान। ये क्या हो रहा है हेमंत? आज अभी इसी वक्त इसी लड़की को यहाँ से बाहर करो। देखो जैसे तुम समझ रही हो वैसे बिल्कुल कुछ नहीं है। देखो तुम चाहते हो मैं रसवा निकाल दूंगा। सुरैया ने जो देखा था वो नजरों का धोखा नहीं था, एक हकीकत थी, बेवफाई की ऐसी हकीकत जिसे हेमंत अपनी बातों से छुटलाना चाहता था। उसने सुरैया से साफ कह दिया कि उसे कोई गलत फहमी हुई है और इसे दूर करने के लिए अगर उसे परवीन को घर से भी निकालना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगा। हेमंत की ये बातें सुनकर सुरैया थोड़ी नर्म पड़ गई। उसने सोचा कि जिंदगी के रास्ते में हेमंत के कदम बहक गए थे और उसकी झड़की ने उसे फिर से सही रास्ते पर ला दिया है। वो उसका है और उसका ही रहेगा। लेकिन ये सुरैया की भूल थी, ऐसी भूल जिसके लिए उसे पछताने का भी मौका नहीं मिला। जल्द ही एक बंद कमरे में सुरैया का होने वाला था कत्ल। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं गया। सुरैया ने भी यही सोचा था कि हेमंत अपनी बेवफाई पर शर्मिंदा है और जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये उसकी भूल थी, ऐसी भूल जिसने उसकी जिंदगी छीन ली। कैसे ये हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर का सबसे खौफनाक चेहरा। नन्हे बचपन से लेकर कॉलेज के महत्वपूर्ण दिनों तक हम जिंदगी की राह दिखाते हैं। हाँ, हम पढ़ाते हैं महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस।